नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। ज्यादा लालच इंसान को ले डूबता है। लालच में बड़े से बड़े करोड़पति भी रोडपति बन जाते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक ऐसी ही खबर सामने आई, जहां सेना से रिटायर होने के बाद एक फौजी जवान ने अपने जीवन भर की सारी कमाई शेयर मार्केट में लगा दी। ये आस में कि एक न एक दिन वो पैसे डबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फौजी जवान ने जो पैसे लगाए थे वो पैसे सारे डूब गए। उसके बाद जवान यहाँ तक नहीं रुका, उसने अपनी पत्नी के जेवरात बेचे, घर बेचा और वो पैसे भी शेयर मार्केट में लगा दिए। शायद जवान की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और दोबारा वो पैसे भी डूब गए। इन सबसे तंग आकर उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई और फौजी जवान अपराध के रास्ते में चल पड़ा। आखिरकार उत्तराखंड पुलिस ने जवान को गिरफ्तार कर लिया है। उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि मजबूरी में आकर उसने अपराध का रास्ता चुन लिया था। लोगों को लूटना, चोरी करना, ये सारी घटनाएं वो करने लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देश सेवा का जज्बा रखने वाला एक फौजी इतना मजबूर हो गया कि रिटायर होते ही लूटपाट और चोरी की घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। पूर्व फौजी चोरी की स्कूटी और मुंह पर कपड़ा बांधकर लूट की घटना को अंजाम देता था, लेकिन पुलिस जांच में जब फंसा तो पुलिस ने लूट के मामले में आरोपी रिटायर फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुखानी थाना क्षेत्र के एक के बाद एक की लूट की दो वारदातें सामने आई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। एएसपी सिटी प्रकाश चंद ने बताया कि घटना में शामिल तल्ली बामोरी अमरावती कॉलोनी निवासी भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। भूपेंद्र मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के बागापानी का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह साल 2022 में भारतीय सेना से हवलदार के पद से सेवानियुक्त हुए थे। पूछताछ में लूट के आरोपी पूर्व फौजी ने बताया कि सेवानियुक्त होने के बाद आर्मी से उसे 28 लाख रुपए मिले थे। इन रुपयों को उसने शेयर मार्केट में लगा दिए, लेकिन सारे पैसे डूब गए, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी के जेवरात और घर भी बेच दिया और वो पैसे भी शेयर मार्केट में लगा दिए और वो रकम भी डूब गई। इससे नाराज होकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर बच्चों के साथ पिथौरागढ़ चली गई। इसके बाद भूपेंद्र हल्द्वानी में अकेले रहने लगा, जिसके बाद उसने लूटपाट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। फिलहाल आरोपी ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व फौजी ने मुखानी थाना क्षेत्र के दयाल बिहार और प्रगति बिहार में 3 और 28 अगस्त को दो महिलाओं की चैन लूटी और उसके बाद उसने एक स्कूटी भी लूटी। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने धर दबोच लिया है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपका क्या कहना इस खबर को लेकर? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खबर को लाइक शेयर जरूर करें। पहाड़ से लेकर मैदान तक, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, राज्य की तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए गढ़वाल तक को अभी फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।